सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसमें पूछा गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फॉरेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको जो दिया गया फॉर्मूला है उसे यूज करना है। इस फॉर्मूला में जब आप डिग्री की जगह 100 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट आएगी। दोस्तों एग्जाम में ऐसे सवाल आते रहते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो 100 डिग्री ही पूछे, तो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 15, 20, 25 कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस बार बार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सब्जेक्ट टू टेम्परेचर लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। तो दोस्तों जब भी हम लिक्विड्स को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हल्का हो जाता है, मतलब उसका गाढ़ापन कम हो जाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट टू टेम्परेचर लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब जो सवाल दिया गया है उसमें पूछा गया है कि वर्क साइट पर जो एम्प्लॉय काम करने के लिए आ रहा है तो उन एम्प्लॉयज की एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग नॉलेज, सर्टिफिकेशन और स्किल, इसे एंश्योर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्टर रहेगा, साइट इंजीनियर रहेगा, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर रहेगा। तो दोस्तों ये सवाल फैक्ट्री एक्ट से लिया गया है और फैक्ट्री एक्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि बिफोर असाइनिंग दी जॉब कॉन्ट्रैक्टर मस्ट एंश्योर कि जो एम्प्लॉय है उसके पास में रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट हो। बिफोर चेकिंग ऑल दीज थिंग्स ही शुड नॉट अलाउ हिम टू वर्क एट दिस साइट। मतलब जो भी काम आप असाइन कर रहे हैं वो आप कॉम्पिटेंट पर्सन को ही असाइन करें। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी स्किल्स, नॉलेज या कह सकते हैं कि टोटल कॉम्पिटेंसी चेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके एम्प्लॉयर की होगी, ना कि किसी साइट इंजीनियर की या सुपरवाइजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हैजर्डस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ट्रक के पीछे में एक पार्टिकुलर कोड लिखा होता है, जैसे 1234, 1245, 1236, व्हाटएवर। इस नंबर का मतलब क्या है? ये नंबर ये बताता है कि इसके अंदर मटेरियल क्या है। इस पार्टिकुलर कोड के थ्रू जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो उस पार्टिकुलर मटेरियल की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। इस पार्टिकुलर नंबर को यूएन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंकलर के स्प्रे पैटर्न से रिलेटेड है। यहां पे दिया गया है कि एक स्प्रिंकलर है जो कि डाउनवर्ड पैराबोलोडियल डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कौन सा स्प्रिंकलर होगा। तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इसका आंसर साइड वॉल टाइप होगा। इस तरह के सवाल और भी आ सकते हैं, तो इसके लिए सभी तरह के स्प्रिंकलर्स का डिस्चार्ज पैटर्न यहाँ पे टेबल में दिया गया है, जिसे कि आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि फैक्ट्री एक्ट से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो लाइटिंग एंड वेंटिलेशन फैसिलिटी है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के किस सेक्शन में दी गई है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 17 में मिलेगी। इस सेक्शन में बताया गया है कि जो वर्क एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल इल्यूमिनेशन वहां पे होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग द वर्क किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। अब हम जिस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं वो अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि इनएडिक्वेट लाइटनिंग है वर्क एरिया पर, अब इसे आप क्या कहेंगे। तो ये अनसेफ एक्ट होगा, अनसेफ कंडीशन होगी या फिर अनसेफ सिस्टम होगा, क्या कहेंगे इसे। दोस्तों कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि उससे वर्कर की लाइफ सेफ्टी थ्रेट में आ सकती है, तो उसे हम अनसेफ एक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसमें क्लियरली मेंशन किया कि इनएडिक्वेट लाइटनिंग है इंडस्ट्रियल वर्क एरिया में और उसके बावजूद भी काम हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह के एक्ट को क्या कहेंगे। तो यह अनसेफ एक्ट कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनबीसी से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि हाईराइज बिल्डिंग है और हाईराइज बिल्डिंग के अंदर जो फ्लोर एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो ऐसे एरिया में
नंबर ऑफ द एग्जिट कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपका एरिया 500 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 2 एग्जिट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन केरला फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि यह एग्जिस्टेंस में कब आया? तो इसका सही आंसर 1962 है। 1962 में केरला फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आया बाय द एनेक्टमेंट ऑफ द केरला फायर फोर्स एक्ट। अब हम जिस सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं वह इवैक्यूएशन से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि इवैक्यूएशन किसके गाइडेंस में होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि एनबीसी 2016 में फायर ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन की है और उसमें बताया गया है कि जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन करने की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फायर ऑफिसर की होगी। फायर सिस्टम को मेंटेन भी उसको करना है और कभी कुछ इमरजेंसी होती है तो इवैक्यूएशन भी उसी को करवाना है। सो इवैक्यूएशन की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फायर सेफ्टी ऑफिसर की है। तो आपका ये जो सही आंसर है वो ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्ड मेल कपलिंग है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? तो इसकी साइज 63 mm है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ चेसिस फॉर इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए हम आईएस 949 2012 का रेफरेंस लेंगे जिसके क्लोज नंबर 5 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि द चेसिस सेल द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ नॉट लेस देन 16000 केजी फॉर स्मॉल टेंडर। मतलब स्मॉल टेंडर है तो 16000 केजी एंड 25000 केजी फॉर लार्ज टेंडर इंक्लूडिंग इक्विपमेंट क्रू मेंबर इट्स। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? 16000 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड है जिसमें पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू सर्वेज। तो इसका आंसर होगा पुअर सर्वेज 3/4 गुड पब्लिक रिलेशन। अब जो सवाल दिया गया है उसमें पूछा गया है कि स्टॉपिंग दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या कहते हैं इसे? तो इसे इनहिबिटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्यूबीटी का फुल फॉर्म पूछा है। दोस्तों, स्प्रिंकलर दो तरह के होते हैं, एक क्वार्टजाइट बल्ब टाइप और एक शोल्डर स्ट्रट टाइप। तो क्वार्टजाइट जो बल्ब टाइप डिटेक्टर है उसको शॉर्टकट में क्यूबीडी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्वार्टजाइट बल्ब डिटेक्टर। अब हम जिस सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं वह CO2 से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कौन सा IS कोड है? तो इसका सही आंसर 2878 है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोड अब ऑब्सोलीट हो गया है। अब जो नया कोड है वह 15683 जो कि सभी तरह के एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के लिए एकमात्र IS कोड है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन रेफर 15683 IS कोड। अब जिस सवाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यह मॉक ड्रिल से रिलेटेड है कि फायर मॉक ड्रिल की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इंडिया के अंदर फायर मॉक ड्रिल की फ्रीक्वेंसी 6 महीने है। हर 6 महीने में मॉक ड्रिल होनी चाहिए, लेकिन यह मॉक ड्रिल जो बिल्डिंग्स 2 साल से पुरानी है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी बिल्डिंग नई है तो उस बिल्डिंग में हर 3 महीने में फायर मॉक ड्रिल होनी चाहिए। यह अगले 2 साल तक एप्लीकेबल होगी। 2 साल के बाद में हर 6 महीने में आप मॉक ड्रिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स बुक कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम सच एज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दैट आर ऑफर्स बाय निबोस NFPA एंड IFEUK।
नेशनल मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज लाइक बीटेक फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पीजी डिप्लोमा, फायर सेफ्टी डिप्लोमा, फायरमैन कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स, एसटीओ एंड डीओ कोर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कन्फाइंड स्पेस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इट्स। इन सब के अलावा वी ट्रेन्स यू टू क्रैक फायर प्रोफेशनल गवर्नमेंट एग्जाम सच एज फायरमैन, फायर ऑफिसर, एसटीओ एंड एडिशनल डायरेक्टर। इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।